देन थर्ड में आया, देन फोर्थ, मेरे गियर कहीं भी अटक नहीं रहे। तो यही रीजन है गाइस कि पंच में कई लोगों को गियर अटकने की इशू आ रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू डीएल का फैक्ट्स, एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस आज की वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं ना जिसके बारे में बहुत क्वेरीज आ रही है। बहुत लोग ये इशू रेज कर रहे हैं कि पंच में गियर अटकते हैं, पंच में पंच के गियर्स में इशू आ रहा है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या सच में पंच के गियर अटक रहे हैं या सच में पंच में गियर में इशू है या नहीं। तो ये सब इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। और अगर गाइज आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, बिकॉज आपके एक लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है, हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छी वीडियोस बना सकें आपके लिए। तो गाइज सीधे आते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में इशू आ कहाँ रहा है, क्यों लोग ये बोल रहे हैं कि पंच के गियर्स अटक रहे हैं। तो आइए देखते हैं। ओके गाइज, तो कई लोगों का कहना है कि जब भी वो गियर चेंज करते हैं पंच में तो उनके गियर अटकते हैं। जब भी वो फर्स्ट गियर में आते हैं या फर्स्ट से सेकंड गियर में आते हैं या किसी भी गियर में गियर मूव करते समय उनके गियर्स अटकते हैं। तो ये लोग, काफी लोगों का कंसर्न आ रहा है और काफी लोगों ने ये इशू रेज किया है कि पंच में गियर अटक रहे हैं। गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में रीजन क्या है गियर अटकने का और गियर एक्चुअली में क्यों अटक रहे हैं। इस कार में जैसे अभी आप देख रहे होंगे, मैं गियर चेंज कर रहा हूँ, फर्स्ट गियर में आया, सेकेंड में आया, देन थर्ड में आया, देन फोर्थ, मेरे गियर कहीं पे भी अटक नहीं रहे, बिल्कुल फ्री गियर्स हैं। किसी भी पोजीशन में आपको गियर मेरे अटकते हुए नहीं दिखेंगे। और जिन लोगों को ये इशू फेस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसका कुछ नहीं है, इसका एक सिंपल सा रीज़न है गाइस। एक्चुअली इशू ये आ रहा है कि अगर आप देखेंगे पंच में जो क्लच है ना, ये बहुत डीप है। इसको जब तक आप पूरा नीचे तक प्रेस नहीं करेंगे ना, तब तक ये प्रॉपर तरीके से प्रेस नहीं होगा। तो यही रीजन है गाइज कि पंच में कई लोगों को गियर अटकने की इशू आ रहा है, बिकॉज इसका जो क्लच है वो काफी डीप जाता है। अगर मैं कंपेयर करूं, मैं अभी इस समय होंडा की कार भी ड्राइव कर रहा हूं, मैं मारुति की कार भी ड्राइव कर रहा हूं, उनका क्लच इतना डीप नहीं जाता। इसका क्लच जब तक आप पूरा डीप प्रेस नहीं करोगे तब तक ये क्लच एक्टिवेट नहीं होगा, और जब तक ये क्लच ढंग से एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आपके गियर ढंग से नहीं लगेंगे। अगर मैं हाफ क्लच में गियर लगाने की कोशिश करूंगा तो गियर अटकेगा। जब तक गियर आप प्रॉपर ढंग से प्रेस नहीं करोगे तब तक आपका गियर ढंग से नहीं लगेगा। तो गाइस यही एक सिंपल सा रीजन है जिस वजह से हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसके जो क्लच है वो काफी डीप जाता है, और जब तक हम इसको पूरा प्रॉपर प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारा गियर ढंग से नहीं लगेगा। तो यही रीजन है यार छोटा सा, इसी वजह से लोगों को प्रॉब्लम फेस आ रहा है क्योंकि इसका क्लच डीप होने की वजह से कई लोग इसको प्रॉपर प्रेस नहीं कर पा रहे या प्रेस नहीं करते हैं, और फिर वो गियर लगाने की कोशिश करते हैं और तब उनका गियर वहां पे अटकते हैं। तो ये सिर्फ इस गाड़ी के नहीं यार, ये किसी भी गाड़ी के लिए है। जब तक आपका क्लच ढंग से प्रेस नहीं होगा, जब तक ढंग से एक्टिवेट नहीं होगा क्लच, तब तक आप गियर जब भी ट्राई करोगे गियर लगाने का, आपका गियर अटकेगा। वो तो इस गाड़ी में ऐसा कोई इशू नहीं है गाइस कि इसके क्लच अटक रहे हो, इसका गियर अटक रहे हो, सॉरी, इसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है कि इसके गियर अटक रहे हैं। आप जब आप अपना क्लच ढंग से प्रेस कीजिए, प्रॉपर प्रेस कीजिए, एंड देन आप अपने गियर शिफ्ट करिए, आपका गियर नहीं अटकेगा कहीं पे भी। और ये इनफैक्ट इस कार के साथ नहीं है, किसी भी कार के साथ है। तो जो लोग बोल रहे हैं यार ये गियर इशू है और ये करने से सॉल्व हो जाएगा, वो करने से सॉल्व हो जाएगा, कुछ इशू नहीं है गाइस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, आपको अपना क्लच प्रॉपर ढंग से प्रेस करना है एंड उसके बाद अपना गियर एक्टिवेट करना है। तो बिकॉज यार गियर ही है जो आपके चारों व्हील्स में आपके इंजन की जो पावर है वो सप्लाई करता है। जैसे जैसे आपका गाड़ी का मोशन बढ़ता है उसी हिसाब से आप गियर बढ़ाते हो। लेट्स सपोज जैसे आपकी गाड़ी 10-20 की स्पीड में चल रही है, आपने फर्स्ट से सेकेंड गियर लगा रखा है, जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होगी आप अपना गियर आगे इंक्रीज करेंगे। तो यही गियर का काम है, एंड जब तक आप अपना क्लच ढंग से प्रेस नहीं करोगे तब तक आपका गियर इशू करेगा लगने में, और जैसे ही आप अपने क्लच को ढंग से प्रेस करोगे आपका ये जो इशू आ रहा है ये रिजॉल्व हो जाएगा। बस प्रॉब्लम यार कुछ नहीं है, बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि इसका क्लच आपको थोड़ा डीप है तो आपको इसको पूरा प्रेस करना पड़ता है, अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है गियर में, क्योंकि मैं जब से यूज कर रहा हूँ मैंने अभी तक ये इशू फेस नहीं किया है। हाँ, अगर आप हाफ क्लच में इस गियर चेंज करने की ट्राई करोगे तो गियर अटकेगा, और वो सिर्फ इस कार में नहीं, वो सभी कार में होता है। तो जब भी आप इसको प्रेस करें, इसको थोड़ा डीप तक ले जाएं,
पूरा प्रेस कीजिए, उसके बाद अपने गियर शिफ्ट कीजिए, आपको ये इशू नहीं आएगा। सो गाइज, जैसा हमने डिस्कस किया, इस कार में गियर को लेके कोई इशू नहीं है, बस इशू सिर्फ इतना सा है कि इसके क्लच जो है वो थोड़ा डीप है, आपको क्लच प्रॉपर प्रेस करना है, उसके बाद अपने गियर शिफ्ट करने हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम एटलीस्ट नहीं आएगी कि आपके गियर कहीं पे अटक रहे हो। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज लाइक टू अवर वीडियो।